हेलो, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज़। इसका पहले हम लोगों ने फंक्शन का पार्ट वन किया था, आज फंक्शन का पार्ट टू क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक होमवर्क दिया था क्वेश्चन में, तो होमवर्क क्या था, एक क्वेश्चन था। ओके, लेट्स सी द आंसर। इन रिवर्स इन टैक, ठीक है, इसका इसका मतलब है टेक्स टेक समथिंग, क्योंकि कुछ आर्गुमेंट ले रहे, कुछ रिटर्न कर रहे हैं। तो नंबर इक्वल टू एन इक्वल टू फाइव, ठीक है। एक बार फंक्शन कभी इनफिनिट नहीं होता, फंक्शन कॉल होते टिल स्टैक ओवरफ्लो, कभी इनफिनिट तक कॉल नहीं होता, क्योंकि फंक्शन का कुछ मेमोरी तो लेगा, ठीक है, कुछ मेमोरी आएगा, इसलिए कभी इनफिनिट नहीं होगा। तो रिवर्स नंबर को, तो रिवर्स का कॉल किया, यहाँ पर कुछ रिटर्न आएगा लेकिन कोई वेरिएबल नहीं है तो कुछ होल्ड नहीं करेगा, तो रिवर्स फंक्शन कॉल आएगा। नंबर कितना, फाइव सेंड किया, कॉल आया, नंबर में कितना आएगा, फाइव आया। फिर एन इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू फाइव, नो, तो ब्रेक नहीं होगा, रिटर्न जीरो नहीं होगा। फिर एल्स में जाएगा, एल्स में जाकर पिनटे परसेंट ही प्रिंट कर दिया, कितना, फाइव प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर नॉम, फिर रिवर्स का कॉल करेगा, क्योंकि बाहर वाला है ए, इफ एल्स का बाहर है। फिर रिवर्स को कॉल करेगा, कौन सा वैल्यू से कॉल करेगा, देखो अब रिवर्स ए नो, एक क्या है, पोस्ट पोस्ट डिक्यूमेंट, पोस्ट डिक्यूमेंट क्या है, पहले वैल्यू असाइन होगा फिर डिक्यूमेंट करेगा। तो पहले असाइन होगा तो कौन सा वैल्यू कॉल होगा, रिवर्स फाइव कॉल होगा, लेकिन इस फंक्शन में एनो का वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, लेकिन कॉल क्या, फाइव गया, फिर से आएगा, पहले फाइव का कॉल किया, फिर से फाइव का आएगा, फिर से फंक्शन होगा, फिर से फाइव के लिए, तो कितना टाइम फाइव के लिए कॉल होगा, अनटिल स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। तो फाइव प्रिंट होगा कितना टाइम, जितना टाइम इन अनटिल स्टैक ओवरफ्लो, अगर ऑप्शन ऐसे रहेगा फाइव प्रिंट होगा इन्फिनिट, तो इन्फिनिट कर देना, अगर स्टैक ओवरफ्लो ऑप्शन में है तो अनटिल स्टैक ओवरफ्लो ऑप्शन में करना, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अच्छे से देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हर वीडियो का जो जो मैंने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हूँ, तो देख लेना क्वेश्चन को। फिर पहले दो हैशटैग इंक्लूड वॉइड शो पिस्ता पिन का, फिर शो को वो कॉल किया, अगर शो फंक्शन कॉल किया तो एक कॉल करते जगह कितना टाइम, जब तक स्टैक ओवरफ्लो नहीं होगा। स्टैक ओवरफ्लो की बोले, मैंने बोला मेमोरी दो पार्ट होता है, एक हीप पार्ट और एक स्टैक पार्ट। हीप पार्ट मेमोरी कौन सा आता है, जो डायनेमिक होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला, डायनेमिक मेमोरी हीप पार्ट से आता है और स्टैक खुद का मेमोरी होता है। तुम बोल सकते हो ये उधार मेमोरी है और एक खुद का पाए, ऐसा उधार रुपया होगा और खुद का रुपया होगा। वॉइड मेन फंक्शन कॉल किया, वॉइड मेन है लेकिन रिटर्न 10-0 करे, इसके लिए क्या देगा, वार्निंग देता है, वार्निंग, एरर नहीं देगा, ठीक है, वार्निंग देगा हमेशा इसके लिए। तो पहले क्या लो, देखो प्रिंट एफ कैच सी एच सी एच ई डब्ल्यू, तो प्रिंट हो जाएगा, कैपिटल में है, प्रिंट हो गया। फिर क्या, फिर कॉल किया शो को, कभी कॉल ही नहीं किया, तो रन होगा, रन ही नहीं होगा, तो इसके आंसर कैच सी प्रिंट होगा, उसके साथ वार्निंग में देगा। शो वाला चीज़ कोई काम का नहीं है, क्योंकि कभी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसके आंसर ट्राई करो, इसके आंसर कमेंट में बताना। जैसे एरे नेम इटसेल्फ ए पॉइंटर, वैसे ही कोई फंक्शन का नाम इटसेल्फ ए पॉइंटर होते, फंक्शन का नाम एक पॉइंटर होते। जैसे फंक्शन बना तो उस फंक्शन के लिए स्टैक मेमोरी में कुछ जगह तो मिलेगा, कुछ मेमोरी, तो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कौन करते, फंक्शन नेम, फंक्शन नेम ही उस मेमोरी को रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। तो फंक्शन, अब मैंने यहाँ पे कहा मेन फंक्शन, मैंने मेन फंक्शन कॉल नहीं किया, कॉल कैसे करते हैं, कॉल करने तरीका, फंक्शन नेम लिखो, ठीक है, फंक्शन नेम, उसके बाद दो ब्रैकेट, तो इसमें कॉल होता है, लेकिन यहाँ पे कॉल नहीं किया, क्या मेन को पिन किया, तो मेन मतलब जो मेमोरी है उसको पिन कर देगा परसेंट डी, ठीक है। उसका एड्रेस किस में, इंटीजर में, ऐसे एड्रेस परसेंट पी में प्रिंट करना बेहतर होता है।
इसका पहले जितना भी लेक्चर था 70 लेक्चर, वो सब लेक्चर देख लेना अच्छे से, कि बेसिक ऑपरेटर से लेके लूप का क्वेश्चन, इफेल्स का क्वेश्चन, स्विच केस का क्वेश्चन कराया। तो इसका देखो इन पॉइंटर फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन का कोई डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन है तो एरर दे देगा, क्योंकि फंक्शन का हमेशा डिक्लेरेशन होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन का डिक्लेरेशन अलग तुम एक नहीं कर सकते, फंक्शन डिक्लेरेशन ना करके फंक्शन का कॉल कर सकते हो, कॉल करना एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर फंक्शन का तुमको मेमोरी नहीं मिला तो तुम उसका वैल्यू तुम ले सकते हो, नहीं ले सकते। तब फंक्शन नेम इटसेल्फ, मैंने बोला एक पॉइंटर होता है, फंक्शन नेम क्या रिटर्न करते हैं, मेमोरी एड्रेस। तो फंक्शन नेम दिया है लेकिन फंक्शन का भी डिक्लेरेशन नहीं है, अगर डिक्लेयर नहीं है तो उसमें एरर आएगा। तुमने बोला फंक्शन मुझे एड्रेस है लेकिन फंक्शन का डिक्लेयर ही नहीं है तो गलत होगा। लेकिन तुम कॉल कर सकते हो विदाउट डिक्लेरेशन, तुमको कॉल करने वाला हो, लेकिन यहाँ से तुम फंक्शन नेम लिख के किसी पॉइंटर को दे नहीं सकते हो, क्योंकि पॉइंटर कहते हैं एक वेरिएबल जो होल्ड करते हैं अनदर एड्रेस। अगर इसमें और फंक्शन में डिक्लेयर दे दिया इंट फन, ठीक है, फिर इंट दे दिया, डिक्लेयर दिया, तब सही है। तब इसमें फन पॉइंटर क्या होल्ड करेगा, फन फंक्शन, फन का जो एड्रेस है, फिर हैशटैग पीटीआर 3, तुम इसमें कॉल करके फन को, इसमें एन का वैल्यू 3 आ जाएगा, फिर 3 टाइम्स गिग्स क्विज पिन कर देगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। हर वीडियो में एक टास्क रहेगा, एक क्वेश्चन जो तुमको खुद से करना होगा। कैरेक्टर है 100 है, ठीक है, एरब 0 में ए दिया है, फिर बी दिया है, फिर सी दिया है, फिर डी, ऐसे कैरेक्टर का साइज कितना होता है, 1 byte। तो जो एरे होगा इसका, सपोज ए 100 बेस एड्रेस, तो यस पे 101, फिर 102, ऐसे चलता रहेगा, कितना टाइम 100 तक जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। एरब 0 में क्या होगा, ए फिर बी फिर सी फिर डी, इसमें क्या बात है, एरे नेम, एरे नेम डिनोट क्या करेगा, बेस एड्रेस, तो एरे 100 डिनोट करेगा, ठीक है। फिर कैरेक्टर एरे, तो ये कैरेक्टर एरे का मतलब, ठीक है, वो जो कैरेक्टर एरे है, कार एरे, इसको एरे मत समझना, ठीक है, गलती से एरे मत समझना, इसका मतलब ये जो पूरा एरे इसमें आ जाएगा, कभी गलती से मत समझना। तो पॉइंटर एरे में एक वीडियो आनूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो इसका मतलब है क्या, रेस्टिंग एरे, ये पॉइंटर है, सिर्फ पॉइंटर, ठीक है। तो इसमें कौन सा पॉइंटर आया, वेरिएबल 100 का, फिर मैंने रेस्टिंग प्लस प्लस एरे प्लस प्लस किया, तो इसका मतलब क्या है, एरे पहले क्या, एरे प्लस प्लस होगा, तो एरे प्लस प्लस होगा तो क्या आ गया, एरे प्लस 1, तो नेक्स्ट मेमोरी में चला जाएगा 101, उसका इंडक्शन ऑपरेटर, इंडक्शन ऑपरेटर क्या होता है, वैल्यू 101 में कौन सा वैल्यू, बी, तो पिन करेगा परसेंट सीएन, तो बी पिन कर दिया, फिर ऐसे बी हो गया, फिर प्लस प्लस 102, फिर 102 का वैल्यू पिन करेगा तो सी, जिसका आंसर आएगा बी सी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बात नहीं, थोड़ा लेंथी लेक्चर होगा। देखो क्वेश्चन क्वेश्चन को अच्छे से देखो, खुद से ट्राई करना, कमेंट में आंसर बताना। ए कल टू कितना है, 25 दिया है, ठीक है, बी कल टू 24+1 कितना है, 25 होता है, सी कल टू गार्बेज वैल्यू दिया है, पिन पास सी का कोई काम नहीं है, यूजलेस है, पिन पास एंड फंक्शन ए बी को कॉल किया, ए बी को कॉल हुआ, एक्स में क्या आया, ए का वैल्यू 25, बी में क्या आया, वाई में क्या आया, बी का वैल्यू कितना 25, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू वाई, तो पहले कौन सा पार्ट, ए वाला पार्ट डिबिलेट होगा, एक्स इक्वल टू वाई, यस, तो ट्रू, ट्रू का मतलब क्या 1, फिर एक्स का वैल्यू 25 माइनस 1 कितना है 24, तो रिटर्न करेगा क्या 24, तो इसका आंसर आएगा 24, आंसर 24। इन चेक इंट इन इट मेन इंडिकल सी, सीगल चेक 10 20, चेक को कॉल किया, ठीक है, फिर सी पे रिटर्न आ गया, सी भी डिक्लेयर है, कोई बात नहीं, 10 20, आई में कितना है 10, ये कहते हैं
ये एक्चुअल आर्गुमेंट होता है, एक्चुअल आर्गुमेंट, एक्चुअल आर्गुमेंट जो कॉलिंग टाइम में पास करने वाला आर्गुमेंट होता है एक्चुअल आर्गुमेंट, और एक कौन सा आर्गुमेंट होता है फॉर्मल होता है, ठीक है। ये क्या है, वैल्यू पास, पासिंग बाय वैल्यू, दो चीज़ें, पासिंग बाय वैल्यू और पासिंग बाय रेफरेंस। ये पासिंग बाय वैल्यू है, पासिंग बाय रेफरेंस कहाँ में होता है, जब एड्रेस पास करेंगे, जे में कितना है 20 आया, ठीक है। इन एस टेक पी क्यू, पी में एड्रेस ऑफ आई का आया, और क्यू में कितना है एड्रेस ऑफ जे का है, ठीक है। आई ग्रेटर देन 45, आई का 45 है, आई का 10, फॉल्स है। एक कॉन्डिशन ऑफ पैटर्न, कॉन्डिशन ऑफ पैटर्न अगर ट्रू हो तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स हो तो नेक्स्ट वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो कौन सा पार्ट, रिटर्न एस टेक क्यू, एस टेक क्यू मतलब क्यू का वैल्यू कौन सा है, जे, एस टेक क्यू मतलब क्यू ने कौन सा वैल्यू पार्ट होल किया, जे के एड्रेस, एड्रेस ऑफ जे 200, तो 200 एड्रेस ऑफ जे, तो जे का वैल्यू कौन सा है वही दे देगा। जे का वैल्यू कितना आ गया 20, तब क्या रिटर्न हो जाएगा 20, सी में 20, फिर पासन डी, सी को प्रिंट किया तो 20 आंसर। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, ठीक है, इस क्वेश्चन का खुद से करना, कमेंट में इसके आंसर बताना, देखोगा कितने का सही है, ये होमवर्क होगा या तुम लोग खुद से करना। इसके आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में कुछ भी आंसर हो सकता है, इरर भी हो सकते हैं, कॉम्पाइल इरर हो सकते हैं, कोई वैल्यू भी पिन कर सकता है, रीजन भी साथ में बताना व्हाई, अगर इरर है तो इरर क्यों है, अगर कोई पिन करे क्यों पिन कर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, वॉइड मेन फंक्शन आया, प्रिंट टाइप का कॉल किया, प्रिंट, प्रिंट का कॉल होगा, फिर परसेंट ए वाला प्रिंट हो जाएगा, फिर रिटर्न जीरो, कुछ रिटर्न नहीं आएगा, तो इसमें आंसर sunfoundry.com प्रिंट होगा। कोई बढ़िया कुछ नहीं था, बहुत इजी था। अब इसको देखो, इस क्वेश्चन का अच्छे से देखो, इंट आई कैन डू क्या है, वन है, ठीक है। आई वंस कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, लॉजिकल नॉट है। लॉजिकल नॉट का क्या काम होते, ट्रू को फॉल्स करना, फॉल्स को ट्रू करना, ठीक है। आई कैन डू वन, आई का मत, वन का मतलब क्या है, ट्रू, तो ट्रू को फॉल्स करेगा तो इफ वाला कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होगा तो एल्स में जाएगा, आई कैन डू जीरो हो गया, ठीक है। प्रिंट टेप सी प्रोग्राम, तो सी प्रोग्राम प्रिंट कर दिया, कोई बात नहीं। फिर मेन को कॉल किया, मेन खुद को कॉल करेगा, फिर इन आइकन टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, फिर यही प्रोग्राम चलेगा, सी प्रोग्राम कितना टाइम चलेगा, इस जब तक स्टॉक ओवरफ्लो नहीं होगा तब तक ये वाला पार्ट चलता रहेगा, चलता रहेगा। इस क्वेश्चन को मैं देख लो, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, एडेड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फंक्शन का नाम से पता चले कुछ एडिशन का, कुछ भी मल्टीप्लिकेशन का, उससे पहले दो चीज देख लो रिटर्न के लिए। अगर रिटर्न मैंने ए बी कमा सी लिखा तो कौन सा वाला पार्ट रिटर्न होगा, लास्ट वाला पार्ट रिटर्न होगा, लास्ट पार्ट। अगर मैंने रिटर्न ए बी सी लिखा, इसके लिए भी कौन सा वाला रिटर्न होगा, लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। पहले इन मेन फंक्शन, पहले फंक्शन का अच्छे से देख लेना, कहीं पे इरर भी हो सकता है, हैशटैग इंक्लूड क्या सही है, ठीक है, कुछ इरर नहीं है। इंट मेन को देख लो, इंट आई के टू 3, जे के टू 4, के एल, के के टू एडेड मल्टीप्लिकेशन का कॉल किया, जहाँ पे आई के वैल्यू क्या, जे के वैल्यू, आई के वैल्यू कितना 3, जे के वैल्यू 3, तो टिफुल आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, जे का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ गया। फिर फंक्शन में कोई गलती नहीं है, इन के एल एल, के एक नाम दिया, के इक्वल टू क्या, आई प्लस जे, आई प्लस जे कितना होगा 3 प्लस 4 कितना का 4, फिर एल एल इक्वल टू मल्टीप्लाई कितना का 12,
रिटर्न कौन सा वाला होगा एल एल, तो कितना रिटर्न आएगा के इक्वल टू 12। फिर एडेड मल्टीप्लाई करा आई जे, आई के आई जे का फिर से 3 4 कॉल होगा, तो फिर से कितना आएगा एल में 12, तो इसका आंसर आएगा 12 पिंड होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था। एस टी आर लेंथ क्या करेगा कि लेंथ कैलकुलेट करेगा, तो इसमें जस्ट ए का लेंथ, सर इसमें एस टी आर एल ई एन एरे होगा, ठीक है एरे होगा, ए नहीं होगा, अगर ए होगा तो इधर दे देगा, तो एरे होगा ठीक है। तो एरे का लेंथ कितना दे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8, 8 लेंथ होगा, तो लेंथ ऑफ फंक्शन इज 8। अगर सिर्फ ए रहा तो इस एरे होना चाहिए। शायद यही लास्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ यस, दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके आंसर कमेंट करना। इन फन फंक्शन जिसमें इंट होगा, फन का रिटर्न टाइप इंट है, के इक्वल टू 35, फंक्शन को कॉल किया, देखो राइट टू लेफ्ट इवेल्यूएट होगा ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रैकेट है, पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व होगा, पहले ए वाला फन फंक्शन कॉल होगा, तो इसमें फन को कॉल किया तो कितना आएगा के का वैल्यू, कितना आएगा 35 आएगा, फिर के प्लस प्लस होगा कितना 36 होगा, तो रिटर्न करेगा 36, तो इसमें क्या चला के इक्वल टू 36 आ जाएगा। तो फिर दूसरा फन मतलब इस फन के लिए फन सन वन, इसके लिए 36 जाएगा, 36 आ गया इसमें, तो 37 होगा, फिर 37 रिटर्न करके यहाँ पे जाएगा, तो फिर से फन वन के लिए 37 आ जाएगा इस वाला के लिए, फिर इस वाला के कॉल जाएगा तो कितना जाएगा इंक्रीज कर 38, फिर 38 रिटर्न जाएगा, तो के इक्वल टू क्या 38 हो जाएगा, तो के इक्वल टू 38। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग, पूरे प्लेलिस्ट देख लेना, सी का भी कोर्स है, सी का भी प्लेलिस्ट देख सकते हो।